भारतीय क्रिकेट टीम जुलाई में श्रीलंका दौरे के लिए तैयार है। श्रीलंका के दौरे पर भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ टीम इंडिया की कोचिंग का जिम्मा संभालेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच जुलाई में 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है। वर्तमान में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख द्रविड़ भारत ए और अंडर-19 टीमों के कोच रह चुके हैं। सीनियर टीम के साथ द्रविड़ दूसरी बार जुड़ने जा रहे हैं। इससे पहले 2014 में इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के बल्लेबाजी सलाहकार बनकर द्रविड़ आए थे। एक अधिकारी ने बताया कि टीम इंडिया का कोचिंग स्टाफ यूके में होगा। ये सबसे अच्छा मौका है कि युवा टीम को राहुल द्रविड़ का मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि वह पहले ही लगभग सभी भारत ए खिलाड़ियों के साथ काम कर चुके हैं। इससे युवा खिलाड़ियों को एक अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि रवि शास्त्री, भरत अरुण और विक्रम राठौर टेस्ट टीम के साथ इंग्लैंड में होंगे। ऐसे में श्रीलंका दौरे के लिए द्रविड़ कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। भारतीय टीम 5 जुलाई को श्रीलंका पहुंचेगी, जहां पर 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। पहला मैच 13 जुलाई, दूसरा 16 जुलाई और तीसरा मैच 19 जुलाई को खेला जाएगा। इसके बाद 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेली जाएगी। T20 सीरीज का पहला मैच 22 जुलाई, दूसरा मैच 24 जुलाई और तीसरा मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा। सभी मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाएंगे, जहां युवा भारतीय खिलाड़ी सीमित ओवरों की सीरीज में श्रीलंका से भिड़ेंगे। वहीं विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंग्लैंड में 4 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इससे पहले 18 से 22 जून तक साउथहैम्पटन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला होगा। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।